हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माइना स्टाइल कॉर्नर। मैं आज आपके सामने आई हूँ बालों की बढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छी से नेचुरल होम रेमेडी के साथ। सबसे पहले ये होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए चाय पत्ती। चाय पत्ती से आपके बालों की कलर एनहेंसमेंट हो जाती है। इसको हमें लेना है मेरे पास मोटी वाले। आपके पास डस्ट चाय पत्ती हुआ तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें एक चम्मच चाय पत्ती लेना चाहिए। आपके पास डस्ट पाउडर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा मोटी वाली है, इसको मैं ऐसा टुकड़ा कर लेना है, ऐसा पाउडर करना है इसको। फ्रेंड्स, आपके पास डस्ट पाउडर है तो ऐसा करना ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा मोटी वाली हुई है तो ऐसा करना है, इसको पाउडर करना है ऐसा। अब इसको हम फिल्टर करना है और एक बाउल लेना है, इसके साथ हमें फिल्टर करना है इसको। ऐसा करने से हमको सॉफ्ट पाउडर मिलती है। फ्रेंड्स, आप देखिए ना, सॉफ्ट चाय पत्ती मिल गई हमको। इसमें एग वाइट लेना चाहिए। फ्रेंड्स, एग वाइट में जो हुआ प्रोटीन्स आपको बालों की लंबे करने में, स्ट्रेंथन करने में बहुत ही मदद करती है। बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस एग वाइट में हमको प्रोटीन्स मिलते हैं आपकी बालों की स्ट्रेंथन करने के लिए, और अंदर से शाइनिंग भी मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें हमें यूज़ किया था चाय पत्ती और एग वाइट, दोनों की अच्छी तरह से मिलाना है इसको। इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहिए, दही। इसमें एक चम्मच दही भी लेना चाहिए। दही में भी प्रोटीन्स है। दही आपकी सिर पर जो हुआ डैंड्रफ को निकालने में बहुत ही मदद करती है और आपके बालों की शाइन स्मूथ करने में उपयोग है। इसको अच्छी तरह से मिलाना है इसमें। इसमें और एक चीज़ ऐड करना है, वो है आलमंड ऑयल। आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच आलमंड ऑयल भी लेना चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, आलमंड ऑयल में विटामिन ई ज़्यादा रहते हैं, वो आपके बालों की ग्रोथ करने के लिए बहुत ही मदद करती है और आपकी डैमेज्ड बालों की रिपेयर करने में भी बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, इसमें मैं चार चीज़ों मिलाया था। इसमें हमें यूज़ किया चाय पत्ती आपकी बालों की कलर एनहांस करने में बहुत ही मदद करती है, और इसमें हमें यूज़ किया दही ने आपकी डैंड्रफ को निकालने में, और इसमें जो हुआ प्रोटीन आपकी बालों की स्ट्रेंथन करने में बहुत ही मदद करती है। फ्रेंड्स, इसमें हमें यूज़ किया एग वाइट। अगर आपके एग वाइट ना पसंद है तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में जो हुआ एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एलिमेंट्स आपकी बालों की अंदर से शाइन देने में बहुत ही मदद करते हैं और आपकी बालों में जो हुआ डैंड्रफ को निकालने में, नरिशिंग करने में बहुत ही मदद करती है। फ्रेंड्स, ऐसा ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिलाना है। मैं आपको बताती हूँ इसको ऐसा अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको आपकी स्कल्प पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्कल्प पर जो हुआ डैंड्रफ को निकालने में ये मदद करती है, इसलिए आपकी स्कल्प को इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मसाज करना है। 5 से 10 मिनट ऐसा अप्लाई करके मसाज करना है। मसाज करने के बाद 1 से 2 घंटे तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद कोई भी शैम्पू से वॉश कीजिए। ऐसा हफ्ते में एक बार करें तो फ्रेंड्स, आपकी 100% रिजल्ट मिलेगी। आपकी बालों अंदर से शाइन, अंदर से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और आपकी डैंड्रफ निकालते हैं, आपकी लंबे और मोटे बाल मिलती है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।